बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज जो है मैं आपको बेबी फ्रॉक की जो कटिंग है वो मैं आपको सिखाऊंगी। यहाँ पर जो है मैंने इसके साथ मैचिंग की थी, दो किस्म की जो है, दो टाइप की लेसेस हैं, एक जिगजैग है और एक सिंपल में है, एक अदर फैब्रिक है। और आइए हम जो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जनाब मैंने सेटिंग कर लिया और मैंने आपको बताऊंगी कि ये जो है तकरीबन 5 से 6 ईयर की बच्ची के लिए है। इसका जो शोल्डर है, तीरा जो है वो मैं 6 इंचज़ रखूँगी और जो डीप है वो भी जो है 6 इंचज़ रखे, तो इसको राउंड शेप में देके तो ये 7 इंचज़ तक चला जाएगा। यहाँ इस तरीके से हम इसको राउंड शेप दिए। अब यहाँ पर जो है हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से, जो मैं नीचे वाला जो मार्जिन रखा हुआ है यहाँ पर हम 3.5 इंचज़ का जो मार्जिन रख के तो हम यहाँ तक इसकी कटिंग करेंगे और इसको चुनट्स वाली हम फ्रॉक बनाएंगे। और बॉडी की लेंथ जो है वो 9 इंचज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम अब कटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम शोल्डर से स्टार्ट करेंगे ऊपर से, यहाँ से हम आर्म होल्स की कटिंग करेंगे राउंड शेप में। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये इसकी स्टिचिंग आपको मैं दिखाऊंगी, वो भी शेयर करूंगी। अब हम इसको यहाँ से राउंड शेप में ले आएंगे, थोड़ा सा हल्का सा जो है बॉडी की फिटिंग की शेप देंगे। यहाँ पर जो है हम इस तरीके से पहले हम वो पीसीस को जो है सेपरेट कर लेंगे, इस पीस को इस तरीके से हम काट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इसको सेपरेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने 3.5 इंचज़ का जो हमने इसका मार्जिन रखा था यहाँ से, अब हमने जो नीचे वाली बॉडी की लेंथ है वहाँ से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ से इस तरीके से हम इधर से कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है हम इसको क्या करेंगे, हमने यहाँ हम स्टिचिंग के वक्त हम इसको इधर इस तरीके से हम जो है धागा खींच के चुनट्स बनाएंगे, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्रॉक स्टिच होगी। और इसके ऊपर जो है मैं लेस का यूज़ करूँगी। अब हम इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने जो मार्जिन रख के तो मैंने इसका निशान लगाया हुआ था, इस तरीके से हम इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कटिंग हो चुकी है। उम्मीद है कि आप जो को ये वीडियो जो है अच्छे तरीके से समझ आएगी, आपको इसकी कटिंग समझ आ गई होगी। अब हम जो है बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की जो लेंथ है वो है तकरीबन आप देख सकते हैं 16 इंचज़ मैंने रखी है। आर्म होल की हम यहाँ से कटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो है बाजू की कटिंग हो चुकी है। तो जनाब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी।